और वर्ल्ड के नंबर वन बॉय बैंड नमस्ते वी आर बीटीएस को हेट करने का रीजन है मेकअप, राइट? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पर उनके मेकअप के पीछे का राज आई बेट आप नहीं जानते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको ये नहीं पता बीटीएस 7 नहीं 6 मेंबर्स का ग्रुप होने वाला था। पर बीटीएस को हेट करने की सबकी अपनी अपनी वजह है। जैसे बीटीएस को इंडियन पेरेंट्स तक हेट करते हैं इसलिए नहीं कि उनके संगीत से उन्हें कोई परेशानी है, ना उन्हें अपने बच्चों की चिंता है। क्योंकि बीटीएस की दीवानगी में उनसे शादी करने की खातिर कई लड़कियां घर छोड़कर भाग चुकी हैं और कईयों ने उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करने और उसका खर्चा उठाने के लिए अपने ही घर में चोरी कर ली है। पर बीटीएस के सबसे बड़े हेटर्स उनके ही देश में रहते हैं, तभी तो बीटीएस को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस से छूट देने के बावजूद बीटीएस के ओल्डेस्ट मेंबर जिनको मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ा। अगर आपको जानना है इसका कैसे और काई को तो सब्र कीजिए, क्योंकि why some people hate K-pop group BTS number one they look like girls कश्मीर की कलियां। हाय हाय इतना सुकून। साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करना इतना नॉर्मल है जितना इंस्टाग्राम खोलकर रील्स बनाना। इसीलिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया में होती है। अब ये सुनकर मौनी राय को दुख जरूर होगा, लेकिन सिर्फ ये एक नहीं, साउथ कोरिया में बहुत सी चीजें इंडिया और बाकी देशों से डिफरेंट हैं। जैसे हमारे यहाँ दाढ़ी मर्द की पहचान मानी जाती है, पर वहाँ दाढ़ी बढ़ाने वाले लोग गरीब और अनहाइजीनिक होते हैं। थैंक यू वेरी मच। उनके लिए क्लीन शेव करना अमीर और बुद्धिमान होने की पहचान है। और यही नहीं, वहाँ 10 में से 9 लड़के मेकअप भी करते हैं। और जब पब्लिक ऐसी है तो उनके आइडल्स को भी वैसे ही मेकअप लगाकर बिना दाढ़ी रहना पड़ेगा। पर बीटीएस मेंबर्स को जाने मन कहने वालों को पैक भाई ये भी बता दे कि वो कैसे दिखेंगे, क्या पहनेंगे और क्या खाएंगे, ये उनकी कंपनी बिग एंटरटेनमेंट डिसाइड करती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसा रहना पड़ता है। एक बार जंक और वी चोरी छुपे आइसक्रीम खाते वक्त एक काली कार उनके पास आ रही थी। उन्हें लगा कि वो कार उनकी मैनेजर की है, इसीलिए उन्होंने आधी खाई हुई आइसक्रीम तुरंत जेब में छुपा ली और बिना जाने वहाँ से भाग पड़े। समझे कि इन मेंबर्स को कंपनी का कितना खौफ है। नंबर टू, गर्ल्स फैट, लड़कियों का दीवानापन। स्मोकिंग कॉज कैंसर, बीटीएस कॉल, घर से भाग जाना, नशा करना और पैसे चुराना। सच्ची ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि बीटीएस की वजह से लड़की ड्रग्स की आदी हो गई। बहुत सी लड़कियां बीटीएस मेंबर से शादी करने के सपने सजाकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर से भाग गई। और जब घर वालों को पता चला तो हुआ ये, पर ये लड़कियां बीटीएस के लिए इतनी दीवानी क्यों? वेल, अब ये वॉइस सुनकर आपको लगेगा कि इन माशा ने हॉल्स के ऊपर ठंडा पानी पी लिया है। ठंडी सांस का ब्लास्ट। और लड़कियां वो इसी वॉइस और एक्सप्रेशन की दीवानी है। और खास करके ये दीवानापन 15 से 22 साल की लड़कियों में ज्यादा पाया गया है। ये दीवानापन इतना बढ़ गया है कि कुछ लड़कियां बीटीएस लाइफस्टाइल तक फॉलो करने लगी हैं, जिसके चक्कर में उन्हें घर से पैसे चुराने पड़ते हैं। अब इसे दीवानापन कहो या पागलपन, पर इन सब वजह से बहुत से पेरेंट्स बीटीएस को हेट करने लगे। और यही नहीं, अपने गर्ल पार्टनर को ऐसे लड़के पसंद होने के कुछ मेल ग्रुप्स में भी बीटीएस को लेकर कॉम्प्लेक्स आना शुरू हुआ। और इस कॉम्प्लेक्स का नतीजा धीरे धीरे हेट में बदल गया। नंबर थ्री, पॉलिटिकल व्यू, पैसा ही पैसा। WWE सुपरस्टार जॉन सिना कह रहे हैं कि वो बीटीएस के बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं। यकीन नहीं होता ना, पर होगा, क्योंकि फैक्ट भाई आपको इसके पीछे का राज बताएगा। इसकी वजह है बीटीएस के 1440 करोड़ का कम्बाइंड नेटवर्क। सही सुना, अगर कोई ग्रुप इतना कमाएगा तो लोग बॉडीगार्ड तो क्या, वो उनके कच्चे भी धोएंगे। बैंड को दूसरे देश से बददुआई मिलती है, पर बीटीएस के हेटर्स दुनिया भर में ही नहीं, खुद उनकी इंडस्ट्री और उनके देश में भी हैं। जैसे साउथ कोरिया में 18 से 28 साल के बीच 21 महीने की मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, पर बीटीएस को इससे 2 साल की छूट यानी 30 साल तक मिलिट्री में जाने की छूट मिली है। उस पर खुद डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात तक कह डाली है कि बीटीएस को मिलिट्री सर्विस ना करने की परमिशन देनी चाहिए। और बस उनके हेटर्स की गिनती बढ़ गई। नंबर फोर, दे आर ओवररेटेड। बस करो भाई, आप ये जानकर कंफ्यूज हो जाओगे कि इस बंदे को वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का टाइटल दिया गया। क्या बात, क्या
बात करते हैं यार। मतलब बंदा ठीक ठाक है पर वर्ल्ड्स हैंडसम मैन। नहीं बंदा बुरा नहीं है पर हैंडसम मैन का नहीं है ना। इस कंपटीशन में इन आर एम महाशय ने सुपरमैन फेम हेनरी कैविल को बीट किया। इसलिए बहुत से लोग BTS को ओवररेटेड मानते हैं और ये एक फैक्ट है कि किसी का भी टैलेंट एक टाइम तक ही चलता है और बाद में उससे लोग चिढ़ जाते हैं। ऐसा सेम हुआ था इस K-pop आर्टिस्ट के साथ जिसका गैंगनम स्टाइल वर्ल्ड फेमस हुआ पर कुछ सालों बाद लोग उसे भूल गए। और ये भी एक वजह है कि BTS की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। नंबर 5 यूनिटी। हम साथ साथ हैं। क्या आप जानते हैं BTS आज साथ नहीं सिर्फ 6 मेंबर्स का ग्रुप होने वाला था। जी क्योंकि BTS मेंबर जिमिन को ग्रुप से निकाल देने वाले थे। वजह कंपनी को लगता था कि जिमिन इस ग्रुप में रहने के लिए कैपेबल नहीं है पर उस वक्त BTS मेंबर वी और बाकी ग्रुप मेंबर्स ने जिमिन का साथ नहीं छोड़ा और फिर से जिमिन भाई छा गए। अब आप ही बताओ किसी बैंड में इतनी यूनिटी होगी तो उसे तोड़ने के लिए कोई ना कोई कोशिश तो होगी और हेटर्स की यही कोशिश है। पर इससे BTS की यूनिटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और होगा कैसे। उनकी यूनिटी उन दिनों से पक्की हो चुकी है जब ये 7 आर्टिस्ट अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक ही रूम में एक साथ रहते थे और तब इस ग्रुप का नाम बिग किड्स या फिर बिग नेशन रखा जाना था पर शायद इनके फौलादी जज्बे के चलते कंपनी ने इनका नाम बैंगटन सोयंडन यानी BTS रखा जिसका मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट। पर उनकी यूनिटी के चलते एक एक की गलती भी पूरे बैंड को भुगतनी पड़ती है। जब 2019 में जंगकुक का कार एक्सीडेंट हुआ तो हेटर्स ने एक मेंबर को नहीं ट्विटर पर BTS बैंड को ही दोषी बना दिया। नंबर 6 BTS आर्मी। हर किसी को हेट करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सबकी नहीं होती। अगर फैक्ट भाई बोले कि BTS हेटर्स की एक वजह है उनके खुद के फैंस। What? इंसान के फैंस दो तरह के होते हैं, एक वो जो अपने फेवरेट पर्सन की बुराई सुनकर भी चुप बैठते हैं और दूसरे जी हाँ इस फैन के विकसित वर्जन को स्टैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये स्टैन इतने ऑब्सेसिव होते हैं कि दूसरों की बात सुनते ही उनसे बिना सोचे समझे लड़ पड़ते हैं और उनकी ये टॉक्सिक फैनशिप का बोझ आता है उनके आइडल्स पर। BTS फैन की एक आर्मी है जिसे BTS आर्मी के नाम से जाना जाता है। आर्मी मतलब एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इन आर्मीज के बीच मौजूद स्टैंस ने जंगकुक के एक्सीडेंट के बाद उसकी गलती छुपाने के लिए ट्विटर पर हैशटैग जंगकुक कार क्रैश वाला ट्रेंड चलाया जिसकी वजह से हेटर्स और चढ़ गए और ऐसे कई बार BTS आर्मी के रॉन्ग पोस्ट और रूमर्स से उनके हेटर्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 7 डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट आर्ट। ना समझने वाला कल्चर। क्या आप जानते हैं कि BTS के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 28 अवार्ड्स दर्ज हैं। इतना ही नहीं ट्विटर पर इनके खुद के इमोजीज भी हैं और तो और इन्होंने यूनिसेफ में जाकर यंग जनरेशन को प्रेरणा भी दी है। फिर भी क्यों लोग इन्हें हेट करते हैं भाई? क्योंकि कोरिया का कल्चर आर्ट बाकी देशों से बहुत ही अलग है जिससे हम फैमिली अप नहीं है और अगर आप एक चीज से फैमिली ही नहीं हो तो आपको वो चीज पसंद नहीं आएगी और अल्टीमेटली आप उसको हेट करते ही जाओगे। जैसे अगर कोई शास्त्रीय संगीत गाने वाला रैपर से जूझ जाए तो नोक झोंक तो होगी ना। बिल्कुल वैसे ही कई लोग रैप और पॉप कल्चर समझ नहीं पाते। उन्हें आज भी लगता है कि इन कल्चर का कोई स्टैंडर्ड नहीं पर BTS जैसे बैंड्स इस बात को गलत साबित करने की पहल कर चुके हैं। नंबर 8 लैंग्वेज भाषा। क्या किसी वीडियो को 10 मिलियन व्यूज सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट्स में हो सकते हैं? आजकल कोई भी चीज वायरल होने के लिए टाइम नहीं लगाती फिर वो अच्छी हो या बुरी पर लगातार हिट गाने देने पर भी कई लोग इन्हें हेट करते हैं। इसकी वजह है ये लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप इनके गानों के लिरिक्स ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे गाने स्ट्रगल डिफिकल्टीज मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर मिलेंगे जिसे गानों के जरिए दुनिया को सुनाने की शुरुआत हुई थी RM से जब प्रोड्यूसर बेंसी हुक एंड साउथ बिग हिट एंटरटेनमेंट यंग बॉय बैंड फॉर्म करके एक नया सेंसेशन लाने की सोच में थे। तब RM ने ऑडिशन में यंग बॉय की दुविधा अपने गाने में बयां की और वो सुनकर प्रोड्यूसर बोले और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने सेंसिटिव टॉपिक में हाथ डाला है उन पर हमेशा उंगलियां उठी हैं। नंबर 9 मल्टी टैलेंटेड। बहुत से लोगों को ये बात पता है कि BTS अपने सॉन्ग खुद लिखते हैं और परफॉर्म भी करते हैं पर उनको ये नहीं पता कि किम नैम जून अंडरग्राउंड रैपर थे जे हो पहले स्ट्रीट डांसर थे इसीलिए ये सब खुद करके भी इनके शोज फुल जाते हैं पर हमारे यहाँ ऐसे करने पर एक भी टिकट बुक नहीं होती है। BTS ने अपनी जगह इतनी बनाई है कि सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास उन्हें बुरा बोलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा जिसका रिजल्ट ईगो क्लैश और कॉम्प्लेक्स और
जब इमोशन ही निगेटिव हो गया तो हेटर्स की पब्लिक अकाउंट बढ़ेगा ही। इसीलिए उनके खुद के कंट्री में जब कॉन्सर्ट होता है तो उसमें कई बार इंसिडेंट की खबरें जरूर आती हैं। तो इस तरह आप जान चुके होंगे कि क्यों कई सारे लोग BTS को हेट करते हैं। अगर आपकी कोई और निजी वजह होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर अगर आप BTS आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने फेवरेट मेंबर का नाम भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपकी खोपड़ी में ये बात गई होगी कि इंसान को इंसान की तरह और आर्ट को आर्ट की तरह ट्रीट करना बेहतर होता है। इसीलिए आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। चलो भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद। साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।